नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज अमरोहा सिविल लाइन क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, बुधवार को सिविल लाइन क्षेत्र के अम्बेडकर पार्क में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकत्रित हुआ, जिसमें शिमोगा कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, जनपद मोरवाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क में एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी कर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। महानगर सह संयोजक अभिनव भंडागर ने बताया, कर्नाटक के शिमोगा में हिजाब पर पोस्ट डालने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है कि हर्षा हत्याकांड की जांच एजेंसी से कराई जाए, उसके बाद दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दी जाए। इस मौके पर बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। बच्चा हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, देश कमल बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। कोई मिनट लग रहा है, कार मारा जाए कि हमें खींच के ले जाया जाए बाइक से साइकिल से, और हमें चाकू से गोल दिया जाए, और वहाँ उपस्थित एक बड़ा समाज उसका विरोध न करे, प्रत्येक व्यक्ति उसकी सहायता करे मारने वाले की। तो ऐसे गोली मारो सालों को, जयकारो वीर बजरंगी, जयकारो वीर बजरंगी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हैं, जो प्रांत मंत्री हैं, हमारे विभाग के मंत्री भी यहाँ हैं, और हमारे महानगर के संगठन मंत्री जी भी यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं विरोध प्रदर्शन को कि बजरंग दल के कार्यकर्ता को किस कारण हत्या कर दी गई, कि उसने मात्र विद्यालय में ड्रेस न पहनने पर एक महिला को क्रिटिसाइज करा और उसका विरोध किया। यदि राष्ट्र में हम नियमों के मानने वालों का, नियमों को ना मानने वालों का विरोध करने पर हत्या कर दिए जाएंगे तो राष्ट्र में रहना मुश्किल होगा। यदि आज हम किसी से कहें सड़क पर बाइक के स्थान पर गाय पर चलो और हमें मार दिया जाए, ये एक बिल्कुल वैसी ही घटना है। क्या मांग है आपकी, मांग क्या है आज हमारी मांग है कि उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करी जाए, और हर हालत में उसके हत्यारों को फांसी कह दी जाए, तुरंत सबको जेल भेजा जाए। जितने लोग वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने विरोध नहीं करा, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसकी वीडियो देखी है। उसकी वीडियो में एक दो लोग नहीं है, काफ़ी लोग हैं, उनको चिन्हित कराया जाए और सभी को जेल भेजा जाए। ज्ञापन करने देना, ज्ञापन हम जिलाधिकारी को देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को भेजेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे। अभिनव भटनागर, महानगर सहसंयोजक बजेंद्र मुरावाद। क्या आज प्रदर्शन किस लिए है? कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे भाई हर्षा ने एक फेसबुक पोस्ट किया था कि स्कूलों में जो ड्रेस होती है वो सभी की सामान्य होनी चाहिए, सभी की एक सी होनी चाहिए। इसका कर्नाटक में शिमोगा में मुस्लिम जिहादियों द्वारा कट्टरपंथी दिखाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। उसके उपलक्ष्य में आज मुरादाबाद महानगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और हमारी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमारी मांग है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा इसकी जांच कराई जाए और उनके आकाओं का भी पता कराया जाए कि इसमें किनका हाथ है, और हर्षा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी दी जाए। और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग के पदाधिकारी जो संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ऐसे संगठन जो जिहादियों का समर्थन करते हैं आर्थिक रूप से, उनकी भी जांच हो और उन पर प्रतिबंध लगे, यही हमारी बात।